यही उसकी अल्पमति है और इसी से वो गिरता है। अंततमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, इसी से वो बार बार पुनर्जन्म में गिरता है। तो दास फिर से वहीं पहुंचे, दास फिर से वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच रहा था, टाटा नगर जमशेदपुर। जो वो सीनियर सिटीजन जो थे, जब मैसेज दे करके जब बाहर दास गया तो मिलने वाले काफी सारे थे, तो उन्होंने एक टोली सी बना करके खड़े हो गए कि हम इनसे स्पेशल मिलेंगे। अब बाद में मिले, वो कहने लगे, कहते जिंदगी के हम इस पड़ाव में पहुंच गए हैं, हमने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, जिंदगी के इतने वर्ष हमने गुजार दिए हैं, लेकिन जिस विचारधारा को इतने सालों में ढूंढ रहे थे वो आज मिली है, वो आज मिली है, वो आज हमें विचारधारा मिली है जो आपने कही है बात। लेकिन कहते आप तो सिर्फ तड़का लगा के चले जा रहे हैं, हमें टाइम दो। मैंने कहा टाइम तो आगे पहले शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। दास जब गाड़ी में बैठा, वहां से महात्माओं से बात चली कि देखो महापुरुषों, जब जब गुरु आता है धरती पर, जब जब सदगुरु आता है शरीर रूप में, अपना काम कर लेता है, फिर कोई समझे कोई नहीं समझे। आज भी यही काम हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इन बातों को, आज भी वही काम हो रहा है। दास ने कहा ये लोग बहुत अच्छे, इन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां क्लास वन ऑफिसर दिए रहे हैं, आज इनको ये विचारधारा मिली है, अब जब इनसे हिसाब लिया जाएगा ना, उस टाइम ये बोलेंगे कि प्रभु हम तक तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। उस समय बाबा जी बोलेंगे भेजा था मैंने पर तुमने सुनी नहीं, भेजा था मैंने तुम तक मैसेज पहुंचा था। मैंने कहा सतगुरु ने अपना काम कर लिया, अगला काम तो इनका है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सेम बात आज यहां पर भी है, सतगुरु ने भेज दिया है, ये ब्रह्मवेत्ता महात्मा बोल रहे हैं भैया आओ प्रभु का दर्शन कर दो। यही आवाज युगों से लगाई गई, कबीरदास जी ने भी यही आवाज लगाई, यही लगाई, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे जब छूट, यही कहा था उन्होंने भी, यही वेदों में कहा, यही उपनिषदों में कहा, यही ऋषि अंगीरा जी ने शौनक ऋषि को कहा, किस किस उपनिषद की दास बात करे, समय नहीं है, आगे निकल गया है, शायद दो चार मिनट और ले सकता हूं। महात्मा दास ने जहां से अब शुरू बात की थी वहीं पहुंचता हूं वापिस, वो थी ये कि हम बड़े भागों वाले हैं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि बिना भागों से मिलता नहीं है, ये समय नहीं मिलता, ये बातें नहीं मिलती। वो अगला कदम है कि कौन आगे कदम बढ़ाएंगे, ठीक है जी हमें तो आज परमात्मा का दर्शन, अरे ये तो कमाल की बात है ना कोई, अब अगर इतना बोलने के बाद भी कोई सोचे कि जी सोचते हैं, अभी सोचते, भगवान को देखने के लिए सोचना, सीधी सी बात है कि या तो कृपा नहीं है या भूख नहीं है, दो में से एक चीज, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है भगवान की, हमारा इंटरेस्ट का विषय नहीं है ना, हमारी रुचि का विषय नहीं है, क्या करना हमने भगवान से। लेकिन जिसको इच्छा है वो कदम आगे बढ़ाएगा, हमें तो जी देखना है, हमें तो जी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब जीवन में आता है ना, निखार आ जाता है, यही संसार जो हमें दुखदाई लगने लगता था यही सुखदाई हो गया, मौज हो गई, यही जीवन जब हम ढो रहे थे यही जीवन आज अनमोल लग रहा है, अनमोल, यही जीवन जो पहले जो अमूल जो लग रहा था कोई कीमत नहीं, इसी की आज कीमत पड़ गई, इसी का लग रहा है कि कीमत पड़ गई, वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, जीवन जीने का कुछ मौज ही और दे दी बाबा जी ने, सदगुरु ने, यही करता है सदगुरु, सदगुरु कुछ लेता नहीं है महात्माओं, सदगुरु दाता होता है, दाता ऐसे दे देता है, ऐसे एक नजर में दे देता है, नजर में। रुक्मणी को पकड़ना पड़ा हाथ, क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो रुक्मणी, बस रुक्मणी ने हाथ रोक दिया, पहला जब चावल की कनी खाई ना तो घर परिवार सब बदली हो गया, दूसरी खाई तो उनकी जो मिसिस जो घरवाली थी सुदामा जी की, उनकी काया कल्प हो गई, जब तीसरी खाने लगे तो पूरी सृष्टि को दान करने लग गए, सब कुछ ले ले, सब तुझे दे रहा हूं, जा बोल क्या चाहिए। दाता होता है यार भगवान तो महात्मा, दाता, दाता किसको कहते हैं, देने वाले को, देवता किसे कहते हैं, देने वाले को, कौन होता है देवता, भगवान से बड़ा कोई देवता है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई,
अर्जुन कह रहा है गीता के 11वें अध्याय में, तुम आदि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आप आदि देव हो, आपसे पहले कोई देवता था ही नहीं, आप आदि देव हो, जब कुछ नहीं था तब भी आप ही थे। ज्ञानवान समझ गए, जिनको ज्ञान है इस प्रभु परमात्मा को तुरंत समझ गए। अब ये फर्क रह रहा है, देख लो महात्मा, जिनको ज्ञान नहीं है अब ये फर्क रह रहा है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि कैसे आदि देव है। तुम आदि देव क्या देखा होगा, अर्जुन ने क्या देखा रथ के बीच में? एक कॉन्सेप्ट और एक क्लियर कर दूं, हल्की सी बात, महात्मा क्या रूप बड़ा हुआ होगा रथ के बीच में भगवान श्री कृष्ण का? बुद्धिजीवी बैठे हैं, जरा सोचो, हमने तो यही कल्पना की ना कि रूप बड़ा बड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण का, है ना, रूप बड़ा बड़ा हुआ। अगर रूप बड़ा बड़ा हुआ होगा तो टांगे भी बड़ी बड़ी हुई होगी, कायदे से तो होनी चाहिए, अगर टांगे बड़ी बड़ी हुई तो पांव भी बड़ा होना चाहिए, हाँ नियमानुसार तो बड़ा होना चाहिए। तो रथ तो सीमित था, पांव रथ के बाहर भी निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए। जब शरीर बड़ा हुआ तो उसका वेट भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए था। तो रथ टूटना भी चाहिए था, हाँ टूटना भी चाहिए था। तो क्या वो जो पांव था क्या वो कुरुक्षेत्र की धरती पर आ गया, सिर्फ वहीं तक सीमित था वो पांव, इतना ही बड़ा था? और वो शरीर इतना बड़ा हो गया कि करोड़ों सूरज मुंह में घूमने लग गए, कमाल हो गया। जो सूरज, एक सूरज इस धरती से हजारों गुना बड़ा है, ये मुंह में घूम जाएगा? जाहिर सी बात है कुछ और दिखाया गया, यही दिखाया गया जो ये ज्ञान, क्यों? क्योंकि देखने के बाद ना अर्जुन कह रहा है नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमो अस्तु। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण जी शरीर रूप में सामने खड़े हैं पर अर्जुन कह रहा है आपके आगे को भी नमस्कार, आपके पीछे को भी नमस्कार। पीछे कौन था, कौन था पीछे? जो ज्ञानवान है वो समझ गए, हाँ पीछे भी यही था, जो विराट रूप देखा वही पीछे था। अर्जुन कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, मैं वो चरणों में वहां पर नहीं कह रहा है ऐसा कि प्रभु प्रभु आपने मुझे शरीर बड़ा करके आपने विराट, नहीं, वो कह रहे हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे, नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमो अस्तु, हे प्रभु आपके आगे को नमस्कार, आपके पीछे को नमस्कार। क्यों अर्जुन? क्योंकि तमेव सर्व तेव सर्व, आप ही हो जो सब जगह हो और सब जगह हो, कमाल, इसलिए आपके सब कर्म को नमस्कार। इसका मतलब शरीर नहीं, कुछ और दिखाया गया, वही देखा हमने, वो जो विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा ना वही गुरु ने, इसीलिए तो मैं टिका हूं। जो दास ये कह रहा है ना हल्फिया बयान, ये इसीलिए कह रहा हूं, मिलान करके बैठा हूं, पूरे प्रैक्टिकल करके बैठा हूं, तब आगे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। महात्माओं बड़े भाग्य की बात थी, तो दास यही कहेगा एक बार ना, ये भाग्य की बात ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है, इसका श्रेय सब जाता है इन महात्माओं को, सबसे पहले महात्मा सोहनलाल जी को, इनके सुपुत्र राजकुमार जी को, अथक प्रयास से ये आज हम सुंदर सा माहौल यहाँ पर, इसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। और क्या हुआ, एक बार ना भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नाग पास में फंसे, जानते हैं ना हम सब, हाँ जानते हैं, देखिए हमने रामायण बहुत साल पहले, नाग पास में फंस गए। तो नाग पास को तोड़ने का जो था ना युक्ति, वो गरुड़ जी के पास थी, बाकी किसी के पास थी नहीं, अब कौन जाएगा? हनुमान जी जाओ इसका तोड़ के आए, हनुमान जी गए गरुड़ जी के पास, गए कहते चलो 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 नीचे, कहते कहाँ जाना है, कहते नाग पास चढ़ना है, कहते नहीं नहीं मुझे आदेश लेना पड़ता है, मैं बिना हुक्म के नहीं जा सकता है, कहते जिन्होंने आदेश देना ना उन्हीं को छुड़ाना है, वो ही फंसे हैं। अरे ले आए जबरदस्ती, नीचे पहुंचे देखा है, अरे ये तो इस समय अवतार इनको कहा जा रहा है धरती पर, हाँ अवतार, हाँ कहते प्रभु है ना नाग पास में फंसे। अच्छा गरुड़ जी ने काम तो कर लिया अपना, जैसे वापिस लौटे शंका हो गई, ये नहीं हो सकता भगवान जिसको मैं नागपास से छुड़ा रहा हूं, अरे जिसको मैं नागपास से छुड़ा रहा हूं भगवान कैसे हो सकता, मैं ना छुड़ाऊं सुबह को मर जाए, ये भगवान कैसे है? यही धोखा तो हम खा जाते हैं, यही है तप मेरे भाई, यही तप है, इन्हीं भ्रमों से तो निकालता है गुरु। गुरु मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं, जब जब सदगुरु आता है मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं भाई। हे अर्जुन, बहुत सारे लोग मुझे शरीर रूप में भ्रम खा जाते हैं और दोबारा दोबारा जन्म में पड़े रहते हैं, और क्या हुआ, वापिस आ रहे हैं, कौन? गरुड़ जी। रास्ते में शंकर जी मिलते हैं, भगवान शंकर जी चरणों में नमस्कार की, हे प्रभु मेरे मन में शंका आ गई। क्या शंका आई? कहते जो वो भगवान है ना, अरे नागपास में फंस गए और मैं मुझे छुड़ाने के लिए ले जाया गया, वो कैसे हो सकते हैं भगवान? महादेव को लग गया पता है, तो घोर शंका में हो गया, कहते ऐसा करो आप जाओ कैलाश मानसरोवर पर जाओ, वहां पर